गुड मॉर्निंग। तो अभी भाई कोचिंग पढ़ा के आए और अभी मुझको जाना है, एक कार्यक्रम जो बताए थे 30 तारीख को कार्यक्रम है प्रवीण तोगड़िया जी का, तो अभी उसी कार्यक्रम में मुझे निकलना है। तो अभी चलते हैं जल्दी और तैयार होते हैं फटाफट और फिर निकलते हैं। यही पास में बापू भवन है, टाउन हॉल है ना, उसी में है, तो बस निकलेंगे जल्दी से। बिट्टी बैठ गई है भैया के पेट पर। अरे प्रवीण तोगड़िया के नहीं बताते हैं कार्यक्रम है कितनी देर का, अब देखो कितने देर का होता है कार्यक्रम, अब देखो। बिट्टी बैठ गई भैया के पेट पर। तभी निकल रहे हैं घर से, 11 बजा है, तभी तो कुछ खाना भी नहीं खाए, मन भी नहीं कर रहा है खाने को। अभी पहले कार्यक्रम देखते हैं, कार्यक्रम के बाद फिर आएंगे तो देखेंगे खाना खाएंगे। पहुंच गए यहाँ पे और कार्यक्रम तो अभी स्टार्ट होगा। इसी नाते से निवेदन करता हूँ कि आप अपने भजनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रवीण तोगड़िया जी का आगमन हो चुका है। काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी, सबको जितने भी सनातनी भाई हो सबको मैंने निमंत्रण दिया है, बहुत लोग आए हैं, आप सभी लोग का जो है मैं चाहूंगा कि आप इनको स्वागत करें, सम्मान करें और आगे के क्रम में जो है मैं बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि और सभी लोग से मैं कहूंगा कि मंच के कार्यक्रम को इस बात की बलिया के धरती से और इस बात की बलिया के धरती से और साथ ही साथ 949 ग्राम सभा के तमाम जनता जनार्दन के तरफ से 949 ग्रामीण और ग्राम सभा के तमाम सनातनी भाई बहनों के तरफ से मैं माननीय आदरणीय और हमेशा जीवन भर संघर्ष करते रहे और हमेशा हिंदू की आवाज को आगे करने के लिए बारंबार संघर्ष करने वाले मैं डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत। सृष्टि बनी तब सृष्टि बनाने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म ने अपने समग्र ज्योतिर्मय शरीर में से ज्योतियां निकाल कर स्त्री पुरुष को प्रकट किए। भगवान ने जिस स्त्री पुरुष को प्रकट किए थे वह हमारे पुरखे थे। तो फोटो देख रहे हैं नीचे फॉलो लिखा हुआ, टच करो फॉलो ही हो जाएगा, फिर से टच करो नीचे फेवरेट आएगा वो टच करो। अब हिंदू हेल्पलाइन का नंबर लिखवाता हूँ, यह नंबर कॉल नहीं करेंगे, सेव करो क्योंकि मैं मदद की जरूरत नहीं है। हिंदू हेल्पलाइन का नंबर लिखो 0020 6680 3300। सेव करो हिंदू हेल्पलाइन, व्हाट्सएप फेसबुक पर सबको भेजो 0206680 3300। अब मेरा नंबर देता मेरे हाथ में है, आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हो, पर शर्त है एक रिंग देकर काट देना ताकि दूसरों को एंगेज ना आए और जिनका मिस कॉल आया उसका मेरे मोबाइल में सेव होगा
मेरे नंबर सेव करो, मेरा नंबर लिखो 9825323408 9825323408 मिस कॉल कीजिए 9823 23408। धन्यवाद, जय श्री राम। बबलू पटना को बचा लीजिए। हाँ वही दस आदमी ड्राइवर कहाँ है कार्यक्रम तो खत्म भैया, अब हम चलते हैं यहाँ से। आ यार चलो, जुमो जुमो जुमो, मूर्ति जी की जय जय, मूर्ति जी की जय जय बाबू, मूर्ति जी की जय जय, मूर्ति जी की जय जय। तो अभी जो है खाना खा रहे हैं, इस समय 2 बज रहा है और पिंटू अभी तक गुस्सा है। देख लेता था लेकर सुट्टा मारा था। हाँ देखा 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 सुट्टा मारा था फेनु। ए नमन बा सुट्टा मर बा सुट्टा मर बजे। देखा 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 और कर कर सुट्टा तेरे। अरे बाप रे, ये तो नहीं पे तेरा हिंकर। उठा उसको, उठा। ए उठो, वो देखा होगा। गाजीपुर जिनके यहाँ गए थे तिलक में, अब उनके यहाँ चल रहे हैं, आज निमंत्रण है, शादी है। हम चलेंगे और बाबा जी को ले लेते हैं, हम दोनों लोग हो जाएंगे, फिर चलते हैं। छह बजने वाला है, चलते हैं बाबा जी को लेंगे। निकलते निकलते मुझे लग रहा है कि 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि तेल भी डलवाना है गाड़ी में। मैं शॉर्ट वीडियो डाला तो उसमें कई लोग बोल रहे थे कि रसड़ा का है, रसड़ा का नहीं भाई, बलिया का है। बलिया में चारों तरफ लग गया है, ऐसी लग गया। अभी हम लोग बिना क्या आ गए हैं, अभी उतर रहे हैं, ये व्यवस्था है। तो हम लोग भाई पहुंच गए यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग को निमंत्रण में आना था, हम और बाबा जी पहुँचे हैं। आइए बाबा जी आइए, बिना कहाँ है खोजिए। भैया नाश्ता पानी तो हो गया मस्त से, अब चलते हैं, थोड़ा सा बारात का स्वागत करते हैं हम लोग। हम लोग बारात लेकर तो आ गए, अब चलते हैं दरवाजे। बारात बाराती ना, मैंने कहा बारात वहां तक आए तो वहां से लेकर हम आ रहे हैं दरवाजे पर। ये कर उठैले रहला ना दूनू हाथ पे। ये गुलक भैया की भगनी लगती है ये, यही पे इसका घर है गुलक भैया की भगनी की। गुलक भैया वीडियो देख रहे हैं तुम्हारा, देख लो। भाई देखा कबूतर के, देखा एकदम स्टैचू लेखा बड़ा सा कबूतर ना, उनके गोड़वा बांधलो नहीं है लेकिन फिर भी उड़त नहीं खा सनो ना। अच्छा वो हिलो तो नहीं खसन, उनके कुछ ना कुछ या तो उनके संगे कुछ छेड़खानी भइल बा ना, जब कुछ ना कुछ उनके संगे छेड़खानी भइल बा तबे जाके ने कैसे उड़ते उड़ ना जेत सन वो। भाई हमारा पूरी सब्जी यहाँ पर चल रहा है और बाबा जी हमसे पहले ही खा लिए हैं।
ये तो बहुत हमेशा तेजी में रहते हैं, खा लिए हैं। अरे भाई सही बात है, चलिए कोई बात नहीं। मतलब इतने हरामखोर मतलब लोग हैं, क्या मैं बताऊं। ये देखो, देख रहा है ना, इसमें मतलब ये लॉकर लगाए थे हेलमेट के लिए, ये सब लॉकर तोड़ के हेलमेट लेके चले गए हैं। मतलब इतने मतलब हरामखोर आदमी, चोर भरे हैं। मतलब मेरे मुंह से मतलब गाली निकल रहा है उन लोगों के लिए। खैर चलो कोई बात नहीं है, मानना पड़ेगा भाई इस बात को। मतलब मैं कितने कितने जगहों पर मतलब हेलमेट मतलब कि मैं ऐसे ही मतलब लगा लगा के छोड़ दिया हूँ लॉक करके, या मुझे कभी टेंशन नहीं रहता था। लेकिन आज बताओ ये सब मतलब गाली निकल रहा है इनके लिए भाई। वास्तव में ये सब मतलब इतना हरामखोर आदमी होते हैं सब, एक तो कभी खरीदेंगे नहीं या साले दूसरे का जो है माल चुराने में आगे रहते हैं। इन सालों को कभी प्रोग्रेस नहीं होगा। हेलमेट चोरी का बुरा रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैंने इतना मतलब मैं अपने लॉक करके रखा हूँ, उसके बावजूद ये सब चुरा लिए हैं, इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है और कुछ नहीं। मैं पहले तो बहुत कोशिश किए होंगे कि निकल जाए निकल जाए, जब निकला नहीं होगा ना तब ये सब मन ठिठाई करके जबरदस्ती उखाड़ दिए हैं एकदम से, तोड़ के लेके चले गए। ये तो ठीक है कि गाड़ी थोड़ा सा मतलब हाई सिक्योरिटी का है, थोड़ा सा ये नहीं है, नहीं तो ये साले मतलब कि ये भी चुरा लेते सब साले हरामखोर कमीने कुत्ता कहीं का। अगर मेरा बाइक अगर मेरा वीडियो का देख रहा होगा तो उसको 10 गाली पड़े, कीड़े पड़े कुत्तों के, हरामखोर। बस खाना होना खाए आते उन्हीं चल गए, तबे तबे जन पावे चोरेले बड़ा सन। सही बात भाई, बहुत मतलब कि हरामखोर। अगर आप लोग वीडियो को या अगर अगल बगल के भैया देख रहे हो तो मिलेगा नहीं, मुझे असंभव है। लेकिन मुझे उस चीज़ का टेंशन नहीं है कि हेलमेट गुम हुआ, मतलब इतने सिक्योरिटी के बाद ये लोग चुराए हैं, ये चीज़ का टेंशन है। मेरे हेलमेट के आगे एक माउंट लगा है कैमरे लगाने वाला, अगर इधर इस आसपास में कोई अगर दिखता है तो बताइएगा भैया। कोई किसी का बाइक होगा वही नहीं चुराया होगा, कोई बारात वाले तो नहीं चुराएंगे, गारंटी है। अगल बगल के लोग चुराए होंगे। आज तो पूरा दिमाग ही खराब हो एकदम से, तो क्या ही बताया जाए एकदम से। मतलब ऐसे मतलब लॉकर तोड़ के मतलब हेलमेट निकाल लिया एकदम से, मूडी ऑफ हो गए। जो हरामखोर मतलब चुराया, मतलब मुंह से गाली निकल रहा है, जो हरामखोर चुराया होगा मुझे पक्का है कि उसके पास हेलमेट खरीदने की औकात नहीं होगी। अब भगवान करके उसके पास कभी औकात भी ना हो। फिलहाल में चलो भाई घर पे पहुंच गए हैं, फिलहाल में इस ब्लॉग पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपको कल के ब्लॉग में, आज का तो यही दिन रहा। गुड नाइट।